Shubhale, Namaste, welcome back to your channel Buddha Chan. आज हम गरुंडा के विषय में बात करेंगे। यह बुद्धिज्म के लोग इसे जाचुंग के नाम से जाना जाता है। जाचुंग आया कहाँ से, इसके विषय में बात करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन लोगों का मानना है ये शांगशुंग से आया है। शांगशुंग एक जगह का नाम है जो जाचुंग से परा है। ये नाम जाचुंग और शांगशुंग दोनों का अर्थ एक ही है, उड़ान भरना। जाचुंग जाने के लिए यही एक रास्ता है जो दीदी की दुकान से निकल के जाता है। हर सामान यहाँ पे मिल जाएंगे दीदी की दुकान में, सो प्लीज़ दीदी की दुकान से कुछ खरीद के ले जाइएगा। जाचुंग दो प्रकार के होते हैं, एक जो संसार से बांधा है और साधारण जिंदगी जीता है, दूसरा संसार से मुक्त है और दिव्य शक्ति और परम ज्ञानी प्राप्ति है, धर्मों और धर्म करने वाले लोगों का रक्षा करता है। जाचुंग के रूप आधा मानव शरीर और आधा गरुण शरीर के होते हैं, यानी ईगल के शरीर के होते हैं। उसके दो सिंह होते हैं और दो सिंह के बीच अनमोल मणि जिसे टिबेटन से नोरवु कहते हैं। सिंह होने वाला गरुंडा पुरुष और ना होने वाला स्त्री कहा माना जाता है। यहाँ दो जाचुंग है, एक स्त्री है एक पुरुष है, एक नदी की उस पार है और एक नदी की इस पार है। गुरु पेमा संभावा ने देव नाग दानव का शासन करने के लिए तीन अवतार का रचना किया। इसे ताचा चुनसुन के नाम से जाना जाता है। पहला तांडिन के अवतार, दूसरा छनंदोजे के अवतार, तीसरा जाचुंग के अवतार। इन तीनों अवतार देव नाग दानव का शासन करना है। गुरु पेमा संभावा की हिडन लैंड में देव नाग दानव का शासन करने के लिए इस तीन अवतार का निवास है। तांडिन जो कि होली पैलेस तीतापुरी की ओर जाने वाले रास्ते में दर्शन देती है। दूसरा छनंदोजे टाशिकोंग गांव के मंदिर के सामने है, लोग दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ। जाचुंग होली पैलेस किला यांगजो में बसा है जो अभी आप देख रहे हैं। आज हम यही जाचुंग के विषय में बात करेंगे। स्पष्ट रूप से इतना कुछ पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं किला यांगजोम भी ईदम दुर्जे शिनु का निवास है और ईदम दुर्जे शिनु के शीर्ष के ऊपर जो जाचुंग है वही ये जाचुंग है, ऐसा लोगों का मानना है। गुरु पेमा संभव की अद्भुत लीला है जो हर मनुष्य और जीव जंतु के कल्याण के लिए है, खासकर इस हिडन लेन के लिए। वायु से लेकर एक छोटी कंकड़ तक गुरु पेमा संभव की लीला बसा है यहाँ। इस लीला का एक अद्भुत दृश्य स्व रूप से एक अद्भुत गरुड़ा का निवास है यहाँ, जो आध्यात्मिक और चेतना ज्ञान से भरा हुआ है और इसे हम जाचुंग के नाम से जाना जाता है। हमारे आँखों में पापों की चश्मा लगा हुआ है, इसलिए केवल एक पत्थर नजर आता है जो स्वयं गरुंडा है, जो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हेतु। यहाँ पर जाचुंग के 25 अलग अलग कार्य जो गुप्त रखा है आने वाले भविष्य के लिए। यहाँ जो कोई भी इसे चक्र लगाएगा उसे नाक के प्रकोप से हमेशा रक्षा करेगा ये जाचुंग है, और यहाँ नाक की संख्या ज्यादा है, इसी कारण गुरु पेमा संभावा ने इस गरुंडा का स्थापना की और हर समय इसे चक्कर लगाने के लिए आते हैं लोग। कोई घुटने के दर्द, कोई बीमारी से पीड़ित हुए, हर आदमी इसे ठीक होने के लिए यहाँ पर चक्कर लगाने आते हैं, जो बुद्धिज्म लोग इसे जाचुंग कोरा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जाचुंग नाक का शासन करने के लिए है, इसलिए आप हर गरुण के चित्र में नाक पकड़े हुए देखेंगे। इससे ये प्रतीत होते हैं कि गरुण एक नाक का शासन करने वाला है। हमारे आदि से इसे कारी लेदुंग के नाम से जाना जाता है। बहुत पहले वर्ष यहाँ के लोगों को एक भयानक महामारी का शिकार हुआ जो धीरे धीरे लोगों को मौत के नींद सुला रहा था। उस वक्त इस महामारी के नाम इसंकिली, जो डिसेंडरी के नाम से जाना जाता है आज के लोग। तब लोगों ने इस महामारी से बचने के लिए इस इसंकिली को पूजा करने लगा।
क्योंकि लोगों को पूरा विश्वास था कि यही उन्हें इस महामारी से छुटकारा देगा। उनके विश्वास और उनकी पूजा पाठ से इन महामारी से इन लोगों को छुटकारा मिला। तब से लेकर वे जब भी अपने गांव में महामारी और कोई भी बीमार हो तो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। यह उनका विश्वास है और इसे अभी भी बहुत अच्छी तरह से निभाया जाता है। और अभी भी यहाँ पर कोई बीमार और महामारी आते तो यहाँ पे पूजा करते हैं। हाल ही में इस COVID-19 के चलते इसे छुटकारा पाने के लिए गांव के लोगों ने यहाँ पे पूजा पाठ किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका समय मुझे देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।